नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियोज है। यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चे ज्वाइन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से हैं, वो मेरे साथ शाम को रात को भी 9 बजे की क्लास ले रहे हैं। ये लाइव क्लासेज होती है, आप देखिए कि किस तरह से मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ इस क्लासेस की। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक लूपिंग प्रोजेक्ट पे, जिसका वीडियो हमने कल भेजा था। तो एक लूप के प्रोजेक्ट पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका वीडियो हमने कल आपको भेजा था, आपने देखा होगा उसको, और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम। तो बेसिकली हम डेटा को रोटेट करना चाहते हैं ताकि उसका टोटल निकल सके। एक सैंपल डेटा मैं बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में ईजिली आए। जैसे कि नेम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपको डाउट होगा तो पूछिएगा सर। और मान लीजिए कि यहां पे जैन फैब से डेटा हमने डाल दिया। अभी फिलहाल एक ही सीट पे कर रहा हूं, लेकिन ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सीट पे डेटा है हमारा। कॉपी एंड पेस्ट। अब बेसिकली इस डेटा को मुझे कुछ इस फॉर्मेट में लाना है कि नेम, मंथ और यहां पे सेल्स। ठीक है, नेम यहां से उठाया, मैनुअल कैसे करने उठाया, यहां पे पेस्ट किया, फिर मैं वापस यहां पे जनवरी को उठाऊंगा, मंथ पेस्ट करूंगा और फिर वापस सेल्स को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और फिर यहां पे पेस्ट करूंगा। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू, फिर वापस इसको कॉपी कर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर इसको फैब को कॉपी करेंगे, फिर फैब का डेटा को कॉपी करेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यूस जो है हमको इसका ये करना है, यूज करना है। अब प्रॉब्लम है कि मैनुअल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो हम मैनुअल करना नहीं चाहते। तो कैसे करें इसके लिए हम VBA कोड लिखने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आया आप लोग को कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम समझना जरूरी है। जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशंस नहीं समझ पाएंगे आप। तो पहले फर्स्ट आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मनीष जी, प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ। हाँ सर। सबसे पहले हम लूप लगाएंगे जो कि चलेगा यहां से यहां तक। तो यहां पे देंगे कि 4i = चले 2 से। 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो फिक्स है हमारा, हमें रिपीट तो इतना टाइम करना है ना, इसलिए। अब मुझे लास्ट भी नहीं पता है कि m तक है या फिर n तक, हो सकता है कि फिलहाल m तक कोई ले, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो इसको भी डायनेमिक करना है मुझे। तो यहां पे लिखेंगे रेंज xfd1.nxls2left.column। अब ये क्या है, फिर इसको समझाता हूं। तो बेसिकली हम लास्ट में समझाते हैं xfd1, क्योंकि लास्ट कॉलम का नेम हमारा xfd1 है। अब यहां से मैं राइट कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट कॉलम को यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे सीधे आके रुकेगा लास्ट कॉलम में, इसी कॉलम नंबर लेके हम दे रहे हैं किसको, लूप को। तो ये डायनेमिक हो गया, कल के डेट में अगर डेटा यहां तक हुआ तो
तो डेटा हमारा यहाँ तक आएगा और इसकी कॉलम नंबर लूप को मिलेगी, तो लूप का एक एंडिंग पोजीशन हमारा डायनेमिक हो गया। ठीक है सर, तो ये पार्ट समझ में आया आपको। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या करें। तो सबसे पहले मुझे यहाँ, अब ये हो सकता है कि ज्यादा कम हो, तो जो सिलेक्शन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था उसको इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हैं कि कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल फिक्स कर दे रहा हूँ कि रेंज A2 से कहाँ तक चले, 10 तक, A10 तक डॉट कॉपी, और पेस्ट कहां करना है, यहां पे करना है नेम पे। तो रेंज अब एक के नीचे एक करना है, तो मुझे वो नीचे से ऊपर वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, कि ये 65,000 वाला मेथड जो कि मैंने पहले भी इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया है, डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा सर। तो यहां पे हम पेस्ट स्पेशल हमने किया, तो इससे क्या हुआ कि एक कॉपी होके, यहां देखिए बता रहा हूं, एक कॉपी होके यहां पेस्ट हो गया। अब मंथ मतलब कि जैन जो है इसको कॉपी करके पेस्ट करना है मुझे यहां पे। तो कैसे करें, तो सबसे पहले मैं दूंगा रेंज A65,000। देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, A65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप, और यहां पे हम ऑफसेट दे रहे हैं, और यहां पे रो 0 होगा कॉलम 1 होगा डॉट सेलेक्ट, मतलब कि नीचे से ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद एक रो आगे बढ़ेगा। फिर मैं यहां पे लिखा कि रेंज ए, रेंज में एक्टिव सेल, कि एक्टिव सेल जहां पे कर्सर है वहां से एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस अप। ऐसा करने से क्या होगा, ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां ऊपर आएगा, लेकिन इसे मंथ भी सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑफसेट लगा के मुझे एक नीचे करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑफसेट 1,0 कर दिया और हमने दिया सिलेक्ट, या सिलेक्ट नहीं, यहां डायरेक्ट वैल्यू भी कर सकते हैं, कि वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाए सेल्स, सेल्स में रो हमारा फिक्स है और कॉलम हमारा आई है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इस एरिया में जैन जो है ये पूरा का पूरा इस पे डाल देगा। तो दो स्टेप पूरा हो गया। अब बात करते हैं सेल्स का, स्टेप का, सेल के स्टेप्स का। तो इसमें भी आप सिलेक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं डालता हूं कि सेल्स दूसरा रो एंड आई कॉलन से सेल्स, ये आपका कितना कॉलन है, 10, कि 10वां नंबर रो और आई कॉलन, इसकी डेटा को कॉपी करें और कहां पेस्ट करेगा, पेस्ट करेगा यहां पे कि रेंज, यहां पे रेंज A65,000 नहीं करते, फिर ए सी है ना, सी, हाँ सी 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और फिर यहां पे नेक्स्ट आई तो लगाइए, फिर इसी को रिपीट करेगा। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं लाइव, फिर दोबारा हम कोड पे आएंगे और दोबारा हम कोड को एक बार और चेक करेंगे। कॉपी रन, कोई दिक्कत नहीं है,
कॉपी हो रही है और पूरा डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। अब इस तरह के अरेंज करने का फायदा क्या है? बेसिकली ऐसे चीज में हम पिवट वगैरह नहीं लगा सकते। मान लीजिए मुझे अगर पूरा साल का टोटल चाहिए, टोटल मैंने कि जैनता है मार्च का अलग अलग टोटल चाहिए या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए, तो हम इसमें सम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने इसको इस पे लगाया था, इसमें पिवट आसानी से लग जाएगा और इसकी समराइजेशन जो है, समरी जो है, इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोड की। तो कोड को आप एक बार सही तरीके से रिव्यू कीजिए और बताइए किस लाइन ऑफ कोड में आपको प्रॉब्लम है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। ये सेकंड लाइन में रेंज ये टू बी रिटर्न किए थे ना आपने। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए आप क्या बोल रहे हो। हेलो सुनाई दे रहा है आपको? मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? सर आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज सेकंड लाइन में सिलेक्शन डायनामिकल दिखाई सर। हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं ना आपने, आपने सिलेक्शन में थर्ड में पढ़ा रखा है ना, उसका इस्तेमाल करें। अब डायनेमिक एज अ डेटा के ऊपर होगा कि डेटा कैसा है उसके अकॉर्डिंग डायनेमिक मेथड आप अप्लाई करना है। आप जैसा डेटा होगा उसका आप सिलेक्शन मेथड अप्लाई करोगे तो वो आपको सिलेक्शन मेथड में पढ़ा रखा है उस मेथड को अप्लाई करें एज पर डेटा। मैंने इसी प्रोग्राम को दूसरे शीट में आने के लिए ट्राई करा था, वो तो मुझे आ गया है। तो आप ट्राई लेकिन ये तो रेंज पे ट्राई कीजिएगा, आपको आइडिया खुद बखुद मिल जाएंगे। ये सिलेक्शन जो है डायनेमिक होगा तो मुझे बताएगा, वो मुझे समझ नहीं आया। तो डेटा आपने फिक्स कर दी थी ना ये टू टू एटन? एडम जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोले, आपकी आवाज अजीब सी आ रही है, जैसे फटी हुई स्पीकर की आवाज़ आती है ना उस तरीके से अभी अजीब सी आ रही है। आप लोग समझ पा रहे हैं कोई एरन जी की आवाज़? अब बात को कृष्णा जी आपने समझा? हाँ सर मैंने समझा, सिर्फ एक चीज मुझे पूछनी है सर। हाँ। एक चीज तो आपने डायनेमिक कर दी कि हमारे मल्टीपल कॉलम्स होते तो वहां से वो पिक कर लेते है ना। एक चीज मुझे ये पूछनी है सर, इसमें जैसे कि आपने सिलेक्ट किया अगर मल्टीपल शीट में होती है तो इसमें डबल लूप लगेगा ना सर, क्योंकि पहले एक लूप तो करेगा दूसरा ये आपका जो मल्टीपल। तो इससे पहली वाली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने कई सारे शीट के डेटा को एक शीट में कॉपी पेस्ट किया था ना सर। हाँ हाँ सर वो मेथड अप्लाई होगा। हाँ वो लूप लग के फिर सर वही बेसिकली वो चीज नहीं है। मैंने ये नहीं बोला क्योंकि एक लूप मेरा अलग सीट करने का मतलब ये था कि हम डेटा को यहाँ रखेंगे, डेटा यहाँ होगा कॉपी किसी और सीट में करेंगे सर, ये मैंने बोला था आपको। और जो सेकेंड लाइन का कोड है ये डायनेमिक नहीं है कि मैंने ए टू से ए टेन कर रखा है। अब ये डायनेमिक डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, जैसा डेटा है उस तरह से डायनेमिक आप लगा सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। तो सिलेक्शन डायनेमिक कैसे करें इसके लिए मैं पूरा एक क्लास दिया था डायनेमिक रेंज सिलेक्शन का, उस क्लास को रेफर में करोगे तो आपको आ जाएगी। तो पहले उस क्लास को आप रेफरेंस में लोगों की चीज में पढ़ा रखा हूँ, तो पहले आप खुद से ट्राई करो, जब नहीं होगा तब मैं बताऊंगा आपको सर। ठीक है, बाकी सब जो है इसमें ठीक है। ये भी जो है आपका जो है यहाँ पे भी ये पार्ट भी डायनेमिक नहीं है, तो इसको भी डायनेमिक एज पर डेटा के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आप जो है इसको खुद से ट्राई करें, कोई सब चीज़ मैं बता दूंगा आप फिर दिक्कत हो जाएगी ना सर, डिपेंडेंसी हो जाएगी, इसलिए खुद से भी ट्राई करो। अब दूसरा चीज ये फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसको मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ है राइट, बट हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में इससे कोई बेटर तरीका हो, तो आप लोग जो है इससे कोई बेटर तरीका निकालिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, समझे? yes, मेरा तो पुराना और घिसा पीटा तरीका है, आपका तरीका। हेलो सर। हाँ जी सर, अभी अभी एक मेल भेजे हैं उसमें बहुत सारे चीज हम ट्राई किए थे लेकिन सर, वो मुझसे हो नहीं पाया। सबसे पहली बात
आपको अगर आपकी तरफ प्रॉब्लम हो तो मेल जो है ना क्लास से पहले दो बार में क्या कीजिए, क्लास का साइन में टाइम मेल करेंगे तो आपकी हम फाइल को देखिए क्लास कराए, इट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरी चीज कि अच्छा। आप जो मुझे प्रॉब्लम मुझे साथ शेयर कर रहे हैं हो सकता है कि वो मेरे लिए हाँ। नया प्रॉब्लम हो, तो रिसर्च का टाइम मिलना चाहिए ना। खैर मैं नया आपको प्रॉब्लम नहीं है गलत चीज सर। नहीं बता, देखिए आपने कोई चीज गलत किया तो छोटी चीज होगी, लेकिन मैं कोई गलत चीज करूंगा तो बड़ी चीज हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को गलत सजेशन नहीं देता जब तक कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो इन फ्यूचर में इस चीज का ध्यान रखिएगा सर। ओके सर, ठीक है ना। क्या इसमें क्या करना चाहते हो बताइए। सर मैं चाहता हूँ कि इसमें डेटा एंट्री भी हो, और जब ये इनवाइस नंबर में अगर मान लीजिए वहाँ डेटा मेरा है तो फिर ये यहाँ पर शो कर दे ऑटोमेटिकली। ये टॉपिक मैंने अभी कराया नहीं है डेटा रिट्रीव का, मैं टॉपिक अच्छा। तो बता दूंगा आपको, ठीक है। और डेटा हाँ। टाइप करने की बात रही तो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही रखा फॉर्म सेंड करने का। हाँ ये शॉर्ट मेथड नहीं हो ये पा रहा तो है। मैंने बताई है ना कंडीशंस के लिए, कंडीशंस इफ कंडीशन लगेगा काउंट इफ के साथ है। मैंने कवर किया हुआ है टॉपिक रिपीटेड डुप्लीकेट के लिए, ब्लैंक के लिए, इस चीजों पर कवर किया है मैंने। डेटा सेंडिंग के जो साथ जो इफ फॉर्मूले वाले जो वीडियो थे उसको देखिए सर, मैंने कवर कर रखा है। मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया था चेक करने के लिए है कि नहीं है इनवाइस नंबर। और डेटा रिट्रीव करने के बाद रही तो वो टॉपिक हम आपको आगे बताएंगे, अभी फिलहाल वो टॉपिक के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों देखा किस तरीके से भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी है, ये प्रोजेक्ट क्लासेस दी तो प्रोजेक्ट क्लास थोड़ा छोटी होती है, लेकिन ऐसे हम 45 मिनट की क्लासेस रखते हैं। तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे पास प्रमोशनल्स वीडियो ही अपलोड किए हुए हैं, टोटल वीडियो अपलोडेड नहीं है। यूट्यूब से आप थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हो लेकिन एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, तो या हमारी DVD परचेज करने की ज़रूरत है। तो मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे जाएं, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और कुछ डाउट वगैरह है तो फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं आप।